मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ चेलमेश्वर साहब को कि उन्होंने इतना समय दिया, जबकि वे आंध्र प्रदेश के हैं और उनकी भी समझ में हिंदी उतनी नहीं आई होगी, लेकिन आंध्र में हिंदी जानने वाले लोग रहते हैं, तो कुछ कुछ जो नहीं समझ में आता था तो वो ऐसे ही पूछ लेते थे अपने साथ बैठे हुए सहयोगी से, जैसे कि वहाँ भी कोर्ट में भी सलाह लेते हैं बेंच के अन्य जजों से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच जब संध्याकाल हो जाता है और आवाज़ें शांत हो जाती हैं वकीलों की, तब मुझे सुखद आश्चर्य है कि कौए बोलते हैं और खूब खुल के बोलते हैं। जिनको यहाँ बोलने का मौका नहीं मिल पाता तो वैसे में बोलते हैं। लेकिन एक बात है कि आपका और किसी शायर का ध्यान इस बात पे नहीं गया होगा, क्योंकि आपका ध्यान तो उस काँव काँव पे नहीं था। इस शब्द यज्ञ में बैठने पर जो आनंद आ रहा है उस पर थे। अब शायद जाने लगेगा क्योंकि मैंने आपको याद दिला दिया। आपके संबोधन बदल जाते हैं। केजरीवाल साहब कभी कभी दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली खांसती रहती है, फिर उन्हें जब लगता है कि दिल्ली खांस रही है तो वो बुलबुल की आवाज बन के आ जाती है, जैसे एक परिंदा भी कौओं से भिन्न ऊपर बोल रहा है। तुम भी जल थे हम भी जल थे, ठीक है, संबोधन कैसे बदल जाते हैं, उनका रेफरेंस आया तो मुझे अपनी ये बात याद आई। तुम भी जल थे हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। तुम भी जल थे हम भी जल थे, सचिव और अध्यक्ष दोनों आ गए हैं, स्थान आपने बना के रखा है, अच्छी बात। सूरी साहब, तुम भी जल थे हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे, तुम जल से भाप हो गए। और कविता आपको अगली पंक्ति में मिलेगी, तुम जल से भाप हो गए और तुम से आप हो गए। संबंध बदल जाते हैं तो आप नजर आते हैं, फिर जिससे वो तू तड़ाक के संबंध थे बदल जाते हैं। मैं एक ऐसा टुकड़ा जिसने भारतीय भाषाओं में कितनी ही बार अनुदित होके वो घूमा है, दरअसल एक कॉलम लिखता हूँ चौरे चंपू, उसमें एक चाचा है एक भतीजा है, और चाचा ब्रजभाषा में बात करता है और चंपू उसका उत्तर खड़ी बोली में देता है। तो एक बार चाचा ने पूछा कि चौरे चंपू जे मेट्रो रेल अगर मथुरा ताई आ जाए तो वहाँ में अनाउंसमेंट कैसे होयो करेगा, यानी मेट्रो रेल अगर मथुरा तक आ जाए तो उसमें अनाउंसमेंट कैसे होगा। होली की मस्ती में सुनिए कि मथुरा तक अगर मेट्रो चली जाए तो भाभी जी अनाउंसमेंट कैसे होगा। राधे राधे, जे मथुरा मेट्रो है जहाँ में आप सबन को स्वागत है, अगलो स्टेशन धोली प्याऊ को है, दरवाजा उल्टे हाथ माऊ खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेणई या शंकर हलवाई को मीठो लेना हो यहीं पे फट्ट सीना उतर जाए, जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी, दरवाजा अंत चिपकवे की जरूरत ना है, फंस गए तो तुम्हारी जान को और हमारे मालों को नुकसान है जाएगा, गुटका खाएबे की और बीड़िया पीबे की तो सोचियो मती, नहीं तो 500 रुपया तितलक है जाएगा, अगाड़ी के दो डब्बा और तन कुएं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ो गयो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगा, धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े इनको पहले जगह दियो, ईमानदारी ते टिकट लेके चलबे को काम है, ज्यादा हफसियारी करी तो कैमरा लग रहे हैं, जो पकड़ो जाएगा जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे राधे। अब देखिए व्यंग्य का आनंद आप लें तो एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं, मुझे प्रिय है। एक के पास मूंछ थी,
सूरी साहब अच्छी थी, एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी। मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। व्यंग पे जहां आपको लगे वहां आशीर्वाद देते रहिएगा। एक के पास मूंछ थी, एक के पास पूंछ थी, मूंछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूंछ वाले की पूंछ थी। मूंछ वाले के पास तनी हुई मूंछ का सवाल था, और पूंछ वाले के पास झुकी हुई पूंछ का जवाब था। पूंछ के दो दिशाएं नहीं होती, मोहब्बत में हिलेगी, मारेगी या मरेगी, एक वक्त में एक ही काम करेगी। मूंछें क्यों अशक्त हैं? क्योंकि दो दिशाओं में विभक्त है। लंबी कविता, उसका अंत बताता हूं आपको कि एक झुकी मूंछ वाले ने झुकी पूंछ वाले से कहा, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा। तो पूंछ वाला बोला, बिल्कुल नहीं उठ पाओगे, और कारण एक मिनट में समझ जाओगे, बताता हूं। तुम बिना हाथ लगाए अपनी मूंछ उठा के दिखाओ, मैं पूंछ उठा के दिखाता हूं। तो आजकल जो उठा सकता है वही उठ सकता है, इसीलिए मूंछ वालों की नहीं सोरी साहब, पूंछ वालों की सत्ता है। मूंछ वालों की नहीं, पूंछ वालों की सत्ता। कई बार व्हाट्सएप आजकल बड़ा त्वरित गति से किसी भी विचार को झटके से पहुंचा देता है, तो जो उसमें पंच लाइन होती है वो ले ली जाती है, और बाकी जो प्रपंच कवि करता है वो रह जाता है। तो मैं दरअसल हास्य का कवि बुनियादी तौर पे हूँ नहीं, जैसे कि प्रदीप जी हैं, उनके उनके तन मन नख से लेकर शिख तक हास्य विद्यमान उनके पास है, और उसमें भी करुणा और पीड़ा, पत्नी पीड़ा और पति पीड़ा, सारी पीड़ाएँ हैं। एक नटखट छात्र ने अध्यापक साथी को SMS भेजा, सर फ्राई हो गया है भेजा, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। अध्यापक ने भी लिखा, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूब कर मरता नहीं दिखा। गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रियाते हो, बाल्टी भर बेशर्मी दिखाते हो, नदी भर अपमान को पी जाते हो, और बाहर निकलते ही समंदर भर ठहाके लगाते हो। उन्होंने भी SMS कर दिया सेंड। फिर अध्यापक साथी से बोले, फ्रेंड ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, लेकिन अफसोस उसका होता है जो डिप्रेशन में आके, अवसाद में आके प्राण गंवाता है। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चा हो जाता है व्यर्थ में शहीद। ऐसा तो हरगिज 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 ना हो। दोस्तों, उस अध्यापक के समर्थन में तुम भी तो कुछ कहो, उसके समर्थन में तुम भी। होली प्रेम का त्योहार, और प्रेम में कोई गणित समीकरण नहीं चलता। एक और एक दो होता है सामान्य नर नारियों के लिए, एक और एक तीन होता है व्यापारियों के लिए, एक और एक 11 होता है आप जैसे सिद्ध हस्तों के लिए, लेकिन एक और एक सिर्फ एक होता है इश्क परस्तों के लिए। तो हमारी तो इश्क परस्तों वाली टेक है कि हर प्रश्न का उत्तर एक है, और वो है प्रेम, वो है सौहार्द, वो है आत्मीयता, वो है धर्म रंग जाति गोत्र इन सबसे अलग इंसानियत का जज्बा जो कवि जिसके पैरोकार होते हैं और जिसका प्रचार और प्रसार करते हैं। एक मैं प्रेम कविता सुनाता हूँ, प्रतीकों के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ कि अगर प्रेम हो तभी विकास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चे के जन्म की प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहा हूँ। विकास होता है तो विकास जन्म लेता है। बादल से बोली बदली, सूरी साहब प्रेम की कहानी है। बादल से बोली बदली ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़कर भागा जाता किस रस्ते अनजान गली। बादल बोला, ओ बदली मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली।
बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा घिस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा, मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। अरे वो तेरा कुछ भला करेगी किस गफलत में रहता है, प्यासा मरुथल तरसेगा तुझसे ही तो सरसेगा, अरे संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला ना पाएगा कोई भी अपना वजन बढ़ा ले तू। तो बदली जी को जमा गई बात अकल की, थमा गई बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। अंतिम दृश्य है कि दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली दूब। दोनों मिलकर बरसे दोनों गए। कभी कविता बनाता है, शब्द आते हैं, शब्दों के साथ अर्थ आते हैं, लेकिन पिछला कुछ ज़माना ऐसा रहा कि बहुत सारे शब्द लाइन लगा के दूर तक खड़े थे और अर्थ बेचारे पेटीएम में पड़े थे। क्या लिखें, समर्थन करें तो परेशानी, निंदा करें तो परेशानी, आगे परिणाम क्या होंगे, सुखद सुनहरे भविष्य को देखते हुए शब्द आते हैं, अपनी बात कहते हैं। और यही जनतंत्र का गुण है कि जब जो मनोभाव आता है कवि आपको सुनाता है। एक शेर सुनाया हमारे राहत भाई ने, मौसम वैसा है इसलिए मैं भी एक प्रयोग करके देख लेता हूँ, एक टुकड़ा सुनाऊंगा, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो कहीं और ट्रैक बदल के घूम के और अपने सदर मोहतरम तक पहुँच जाऊँगा। बच्चों के लिए लिखी जातक कथाएं हैं मैंने, नई नई जुड़ती रहती हैं उसमें, और खूब सुनाया है मैंने, हर बार सुनाता हूँ तो मुझे उतना ही मज़ा आता है जितना कि पहली बार सुनाने में आता है। एक नन्ना मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी, अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर, भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता, उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने, तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला हे बकरी कुल गौरव आयुष्मान चिरायु भव दीर्घायु भव कर कलरव होत्सव साबुत रहे तेरे सब अवयव, आशीष देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर, उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान, बकरी हैरान बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। ये तो बात बन गई साहब, एक और सुनाओ, इजाजत है आपकी, आदेश दीजिए तो मैं सुनाऊं। आदेश मुख से नहीं चाहता था, आदेश में देखिए ये दृश्य इन पांच राज्यों में कहीं ना कहीं दिखे हैं, और उत्तर प्रदेश हमारे निकट है, वहां भी स्थिति विकट है, और जो कुछ होना है वो सन्निकट है यार, एक के बाद तो गौरव जी गौरवशाली होंगे या कतारबद्ध होंगे पुनः कि कहाँ जाए। तो शेर ने कुएं में झांका, शेर ने कुएं में झांका, वहां पहले से बैठा था एक शेर बांका, ऊपर वाले शेर ने दहाड़ लगाई, प्रतिध्वनि नीचे से आई, मत समझना मुझे अपनी परछाई, बहुत देर पहले गाया हुआ हूँ तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का सताया हुआ हूँ, बाहर निकलूंगा दहाड़ूंगा और ऐंठ जाऊंगा, हाँ 1 करोड़ रुपए के गुलाबी नोट दिलवा दोगे तो फिर से पानी में बैठ जाऊंगा, एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली, समझिए एक तमिलनाडु की थी तो नहीं होती चली गई, पश्चिम बंगाल की आपके एमवी वाली की तो क्या कहें, एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली, बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली, बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और ठीक वैसी ही एक रोटी निकालते हुए बोला किस बात की लड़ाई है,
किस बात की लड़ाई है? दोनों के साबुत रोटी खाओ ना, ऊपर से मलाई है। बिल्लियां हैरान दोनों के खड़े हो गए, चारों कान सोचे ही क्या गड़बड़ चल रहा है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। जंगल में चुनाव आने वाला। पास में बैठा हुआ दूसरा बंदर बोला, देखिए का है और ठीक पहुंचाना है और तुमको रहस्य बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। अब भेड़िया दल भ, गीदर दल ग, तेंदुआ दल तुम और घोंगुआ दल तुम का हमने बानर दल में विलय हो गया है। इस जंगल के राजनीति में जितना भी अनाथ है और कठोर हो या मुलायम, सब हमारे साथ है। जंगल की राजनीति से आतंक मिटाना है, आतंकवाद को मिटाना है, और जैसे भी वो जाइंट मोर्चा को जिताना है। तुम हमारा पड़ोसी हो और असल बात ई की शेर का मौसी हो, जितना वोट दिलवाओगी उतना चूहा पाओगे। प्रतीकों में बात कर रहा हूँ सर। तो तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे और नाखूनों में छिपे हुए खूंखार इरादे, चूहों से कहा गया चील नहीं होगी और चील से कहा गया चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा और भालुओं से कहा गया सारे मधुमक्खी छत्तों पर आपका रिजर्वेशन होगा। हिरणों से कहा गया जंगल के जीवन में अहर्निश सवेरा होगा और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया जी दिन में भी अंधेरा होगा। उधर झूमता हुआ उन्माद में शेर आया अपनी माद में, बोला ओ पूरा जंगल घेरनी मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू इलू इलू। शेरनी बोली आई लव यू टू इलू इलू, पर आज कुछ लग रहे हो ढीलू ढीलू। बोला ढीलू ढीलू तो लाइक बिस्की पी। शेरनी बोली बिस्की तो जरूर पिलाऊंगी, उसमें बर्फ और सोडा भी मिलाऊंगी, पर मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक ताज़ा मुलायम सा खरगोश खिला। तो सिंघनी के कान में हुआ था फुसफुसाहट का सिंगनाद। अब देखिए फुसफुसाहट का सिंगनाद कैसा होता है। सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंगनाद, खरगोश तो खिला में डाल लेंगे और चुनावों के बाद, खरगोश तो खिला में डाल लेंगे पर चुनावों के बाद। छोटे छोटे जानवर चूहा खरगोश बिल्ली गिलहरी नहीं जानते कि कैसा भी गब्बर या बब्बर क्यों ना हो, कैसा भी खूंखार भीम भयंकर क्यों ना हो, ये सारे के सारे हिंस पशु आग से डरते हैं और कैसी भी स्थिति में आग का सामना नहीं करते हैं। जिस दिन भी जंगल की जनता में आग की चेतना वाली एक भी मशाला जाएगी, सच कहता हूँ उस दिन से जंगल की निजामत बदल जाएगी। मित्रों समय बहुत हो गया है, सुनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कवि की अपनी सीमाएं हैं, कहता जितनी कह पाता है, कितना भी कह डाले लेकिन अनकहा बहुत रह जाता है। मैं बहुत कुछ सोच के बैठा हुआ था।